अभी तक उनके साथ डिस्कस करते रहे, फिर कुछ गुलदस्ते बनते रहे, कुछ क्लिप्स बनते रहे। मैं अभी आपके सामने वो चीजें आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, वो अलग अलग है, डिटेल बहुत डिटेल है। पर आज जब मैं 2024 जनवरी में बयान कर रहा हूं, और मैं अभी यूके से होकर आया हूं, मैं तो 19 दिसंबर को मैं यूके पहुंचा था, और अभी मैं आपके आईलैंड में हूं। मैं ये कह सकता हूं जहां जहां मैं इस्लामाबाद के घर गया हूं मिलने के लिए, कुछ इश्यूज उस वक्त मैंने घरों में जाकर देखे थे, आज कह सकता हूं कि इस्लामी भाइयों के घरों में मैंने तब्दीलियां देखी, बदले, बिल्कुल बदले। मैं एडमायर करता हूं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, और मुझे कुरान करीम की आयत याद आती है, वज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, और समझाओ के समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। लोग कहते हैं ना कि समझाने का फायदा नहीं है, इनको होश के नाम को लेना चाहिए, गलत बोल रहे हो, कैसे कह दिया समझाने का फायदा नहीं, कुरान कहता है फायदा, तो तुम कैसे कहते हो फायदा है, तुमको समझाना नहीं आता, अलग बात है, वज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन, और समझाओ के समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। हमने घरों में जाकर देखा है, हमने इनके बच्चों को देखा, हमें इस्लामी भाइयों ने कहा है कि हम ये देख कर सुन कर हमारे घरों में तब्दीली आई, हमारे बच्चों में तब्दीली आई है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं एक एक बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मगर ये यकीन मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक इन सबको जज़ाए खैर दे। और ये चीजें बोलने वाले को मोटिवेट करती है, हमारे वालों को बोलने वाला को मोटिवेट कर रहा होता है ना समटाइम। अब जैसे आप ये जो सर हिला रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ये बोलने वाले को मोटिवेट करता है, यार मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। ये चीजें बोलने वाले को मोटिवेट कर रही होती हैं, उसको और हौसला दे रही होती है कि नहीं यार बोलो, और हैं सुनने वाले लोग, समझने वाले लोग, और मानने वाले लोग हैं, तो ये कभी सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। तो ये भी हम बोल रहे हैं, फर्क पड़ेगा, देखना फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। मुझे बस सदमा है मेरे उन इस्लामी बहनों का, मेरी बेटियों का बोलो, या जिसको भी आप जो भी बोलो, जो बेचारियां आ गई और आज तकलीफ में, मुझे अफसोस है मेरे इस्लामी भाई के, तो मैं हमदर्दी करता हूं जो बेचारे फंस गए, कुछ इस तरह के रिश्तों में फंस गए, चाहे वो पेपर के नाम पर किए हों या किसी भी नाम पर किए। मेरा मुसलमान भाई है, उसकी वो तकलीफ है, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए, चाहे भले उसकी तकलीफ की वजह वो खुद ही क्यों ना हो, मगर हम अल्लाह से दुआ तो करें ना या अल्लाह माफ कर दे, और उसके लिए आसानियां पैदा कर, माफ तो वही करते हैं, गलत है किससे नहीं होती, मगर है तकलीफ। मेरी इस्लामी बहन है, मेरी बच्चा तकलीफ, इतने माँ बाप तकलीफ में, यार क्या करें बेटी, फंस गया हूं यार, अच्छा खासा समझ के लड़की लड़का लाए थे और बस फंस गए, यकीन मान फंसे हुए बेटियां फंसी हुई है, ऐसे ऐसे केसेस, ऐसे ऐसे केसेस हैं, क्या मैं बयान करूं, माँ बाप कहीं और बैठे हुए, बेटी कहीं और बैठी हुई है, माँ बाप कहीं और बैठे, बेटा कहीं और बैठा हुआ है, बेटा बीवी को छोड़कर कहीं और निकल गया, कहीं बीवी शोर को छोड़कर कहीं और निकल गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसमें कुछ ना कुछ हमारे पैसे की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, और एक बस एक सोच पर, एक दिमाग पर एक मुसल रख के, यार ये बना लो, ये बना लो, एक जुमला बोल दो, नाराज कर, नाराज नहीं हो रहा है। बाद अगर ऐसा हुआ है जो मुझे इजहार नहीं किया है, मैं आपके साथ फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब बहुत कुछ आ गया तो फैमिली ना रही, राइट, ऐसा है, डील गलत हो गई है, गलत पैकेज पर आ दिया, गलत हाथ रख दिया, कहीं मां बाप उजड़ गए, कहीं बेटियां बर्बाद हो गई, कहीं बेटे जाया हो गए। आज घर पर आता है बेचारा, 70-60 साल उसने मेहनत की है, 60-60 साल मेहनत किया, मगर घर के अंदर इज्जत नहीं बेचारे की, औलाद भी उसके पास नहीं, काम पकड़ भी नहीं सकता, कानून उसको इजाजत नहीं देता, कमाल हो गया, मेरा बेटा मेरी बेटी खिला पिला कर मैंने बड़ा किया, मैं उसके लिए खून पसीना जलाता रहा, अपना वतन छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े इस औलाद के लिए, और आज ये औलाद मुझे कहती है, यू ओल्ड मैन यू डोंट नो, तुझे आता क्या है बुड्ढे,
next time be careful. Otherwise, नाम नंबर भी नहीं बताता मैं आपको, आप सबको नंबर याद होगा, अपना मोबाइल नंबर याद नहीं होगा जितना ये वाला नंबर याद होगा, अभी बच्चा मिला देगा, राइट? ओह भर गया हूं मैं, क्या 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 खाली करूं, मगर उम्मीदें मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूं उम्मीदें मौजूद है, ये जितने भी हालात हैं इन सबको दुरुस्त करने की सूरत तैयार मौजूद है, हाथ से कुछ कहा नहीं, इतना नहीं चला गया कि कुछ हाथ ही में ना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि रिकवरियां हमने देखी, मैंने यहां रिकवरियां देखी, फैमिली की रिकवरियां भी हुई है, पेरेंट्स को भी रिकवरी हुई है और बच्चों को भी रिकवरी हुई है, यानी बच्चों की रिकवरी है कि मां बाप मिल गए, मतलब मां बाप इंडिपेंडेंसी और प्राइवेसी के नाम पर औलाद को सेपरेट कर दिया, औलाद ने अपनी आजादी के नाम पर मां बाप को सेपरेट कर दिया, मगर रिकवरियां हुई है, जब अल्लाह पाक की सच्ची मोहब्बत और प्यारे मुस्तफा करीम की सच्ची मोहब्बत जब दिल में आती है ना और इस्लाम पर सही अमल का जज्बा आता है ना, सारी रिकवरी हो जाती है, यकीन माने महीनों नहीं लगते, दिनों में काम हो जाता है, और अल्लाह चाहे तो दिनों भी क्या बोलते, घंटों भी क्या बोलते, मिनटों में काम हो जाता है, घंटों में। मुझे एक ग्रुप से कॉल आई था, मदनी चैनल पर लाइव था, मदनी काफले का मौजू चल रहा था, मदनी काफले का मौजू चल रहा था, तो मुझे कॉल आया, लाइव कॉल आया कि अभी आप बता रहे थे मदनी काफले के तहत, तो मैं कह रहा था अपने बच्चों को साथ ले जाओ तीन तीन दिन के मदनी काफले में, अगर आपका बच्चा 8-10 साल का है तो एक बच्चा अलाव करते हैं, ज्यादा बच्चे अलाव करेंगे तो खराब हो जाएगा, माहौल सारा खराब हो जाएगा, तो अगर भाई या भाई या वाली चाहे तो अपने बेटे को साथ ले जा सकता है, तो इस तरह की मैं तरकीब देना देगा रिकवरी हो जाएगी। तो मुझे कॉल आई कि मैं मेरा बेटा को मैं ले नहीं गया, मेरे बेटे को मैंने मंदी कामले में भेजा, मेरा बेटा मुझसे तमीज से बात नहीं करता था, मगर मैं समझा बुझा के मैंने इसको भेज दिया मदनी काफले में 3 दिन के लिए। इमरान थैंक यू, 3 दिन के बाद तुम लोगों ने मेरा बेटा मुझे वापस रखा, यानी मेरा बेटा घर आकर मेरा हाथ चूमता है, पहली बार मेरे बेटे ने मेरा हाथ चूमा, तो मैं ये समझता हूं कि दावत इस्लामिया ने मेरा बेटा हमें वापस कर दिया, मेरा बेटा मुझे मिल गया। अब ये चेंजेस इसी तरह आएंगे, हमको खुद को बदलना पड़ेगा, थोड़ा फैमिली माइंड बदलना पड़ेगा, अपने घर का माहौल बदलना पड़ेगा, तभी कुछ हम बदले कुछ भी नहीं और हम कहेंगे कुछ बदल जाए, कुछ नहीं बदलता भाई, पहले खुद को बदलेंगे तो कुछ बदलेगा। और जो यहां पर हमारे नौजवान मेरे खसूस में कहूंगा या जो भी शराब में या इस तरह बुराई में पड़ गए, ये ना समझेंगे कोई देख नहीं रहा, आपके माँ बाप आपको नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहे, और आपने मैंने आपको कैसा सब कितना सख्त हदीसों में कितनी सख्त बातें आई, एक और हदीस होती है जो बदकारी करता है या शराब पीता है अल्लाह पाक उससे ईमान इस तरह खींच लेता है जिस तरह इंसान अपने सर से कमीज उतार देता है। उफ। तो अल्लाह कह रहे कि हम सब ये शराब से भी बचे रहें, जुए से भी बचे रहें और ये बदकारी वगैरह ये सब कुछ इसी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कहीं और सा नहीं हो सकता, मगर कहीं मुश्किल है, देखने वाले ज्यादा हैं, खानदान फैमिली रिश्तेदार है ना कुछ, लेकिन यहाँ इस तरह का माहौल बातों का नहीं होता, तो कल्चर कुछ इस तरह मोड़ बुला लेता है, नफ्स ने वैसे ही हम सताया हुआ है, हम चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से डरने वाले नहीं जाते, तो ये इसी इन्हीं जगहों पर मैं उलमा भी देखता हूँ, इन्हीं जगहों पर मैं हुफ्फाज़ भी देखता हूँ, इन्हीं जगहों पर मस्जिद के इमाम भी है, इन्हीं जगहों पर मौज़िन और ख़ादिम भी, इन्हीं जगहों पर कारी भी, इन्हीं जगहों पर तरावी पढ़ाने वाले भी हैं, अगर खुदा ना खासा अगर जगहों से ही बर्बादी थी तो फिर ये कैसे आबाद रहेगा भाई, अल्लाह पाक ने इनको बचने की तौफीक दी, हम अल्लाह पाक से दुआ ना करें अल्लाह तूने इनको बचाया मुझे भी बचा, आमीन, ये तेरा बंदा तो मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं भी तो तेरा बंदा,
ये तेरे हबीब को उम्मती है, मैं भी तेरे हबीब को उम्मती हूं, भटक गया हूं, बह गया हूं, आना चाहता हूं वापस मौला, मुझे कबूल फरमा ले, मैं वापस आना चाहता हूं, मेरे लिए रास्ता खोल दे। वो बड़ा करीब है, कुदरत वाला भी। हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए रास्ता किसने बनाया? उसी रब ने बनाया। दरिया में से दो रास्ते कर दिए, मतलब मूसा अलैहि सलाम ने पूरे लश्कर के साथ काफले के साथ निकल गए, और फिरौन वही रास्ता आया, आधे में डूब गए। हाथी वालों को अबाबिल के परिंदों के जरिए किसने हलाक किया? अल्लाह पाक। वो कुदरत वाला प्यार इसने लम्हा लगता है, लम्हा लगता है। तो सच्ची तौबा की जरूरत है, सच्ची या अल्लाह मैं बदलना चाहता हूं, और अल्लाह जानता है कि कौन बदलना चाहता है, यस अल्लाह जानता है कि कौन बदलना चाहता है। चंद मरतबा मैंने वाकया सुना है, आज दिल करता सुना। हज़रत मूसा अलैहि सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही, हज़रत मूसा अलैहि सलाम अपने साथ 70,000 लोगों को लेकर दुआ के लिए चले, 70,000 लोग दुआ कर रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश नहीं बरसा। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी हैं, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश नहीं बरसा। मूसा अलैहि सलाम अर्ज करते हैं, मौला हम तुझसे दुआ कर रहे हैं, तू बारिश नहीं बरसा रहा। अल्लाह फरमाता है, मूसा आपके इन लोगों में एक ऐसा शख्स है जो इतने इतने सालों से मेरी इस तरह नाफरमानी कर रहा है, मैं उसे नाराज हूं। ए मूसा, उसके होते हुए बारिश नहीं हो सकती। मूसा अलैहि सलाम अर्ज के, मौला भाई क्या करें? अल्लाह पाक फरमाते हैं, मूसा ऐलान कर दो कि इसी सरा का ये शख्स है, ये यहां से निकल गया, इसके होते हुए बारिश नहीं होगी। मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की, या रब्बे करीम, 70,000 लोग है, मेरी आवाज कैसे पहुंचे? अल्लाह पाक फरमाते हैं, आवाज देना आपका काम है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ऐलान कि इस तरह का एक शख्स हमारे दरमियान में है, उसके होते हुए अल्लाह पाक बारिश नहीं बरसाएगा, उसको चाहिए कि वो यहां से चला जाएगा, उसके होते हुए बारिश नहीं बरसाएगी। प्यारे इस्लाम भाइयों, मैं किताब में पढ़ रहा था, जब ये ऐलान हुआ तो वो शख्स भी सुन ही रहा था, उसके सर पर चादर थी, उसके सर पर चादर थी, और वो चादर में से यूं देख रहा था, सत्ता कोई और भी हो, कोई नहीं निकला। वो समझ गया कि हो ना हो मैं हूं, वो तो जानता था हो ना हो ये तो मैं हूं। मूसा अलैहि सलाम ने ऐलान कर दिया कि ये बाहर आ जाए, वो ये सब सुन रहा है, सर पर चादर उड़ी हुई है, देखा है नीचे क्या कर, आपको याद कर, मौला मैं ही हूं, निकलता हूं तेरा बंदा जलील हो तो सो, रुकता हूं तो बारिश नहीं होती, मौला मैं गुनाहों से माफी मांगता हूं, तेरी कसम और तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, मेरी इज्जत रखिए मौला। ये अपने रब से दुआ कर रहा है, अभी दुआ कर रहा है, तोबा कर रहा है, तोबा कर चुका, दुआ कर रहा है, काले बादल आते हैं, बारिश बरस पड़ती है। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से अर्ज करते, या रब्बे करीम, मैंने तो किसी को भी जाते ना देखा, मैंने तो किसी को भी जाते ना देखा, और तूने बारिश बरसा दी। अल्लाह फरमाता है, मूसा जिसके लिए रोकी थी उसी के लिए बरसा दी। मूसा अलैहि सलाम अर्ज करते, बोला
अभी बताओ कौन है। अल्लाह फरमाता है ए मूसा, जब वो मेरा नाम फरमाता मैंने उसको छुपा कर रखा, अब तू मेरा पसंदीदा बंदा बन गया, इसको कैसे जाहिर कर। कोई अपने रब के हुजूर आना चाहे, अपने रब की तरफ बढ़ना चाहे, उसकी रहमत की तरफ बढ़ना चाहे, रब की रहमत तो बहाना ढूंढती है अपने बंदे को, अपने रहमत की चादर में छुपाने के बहाने ढूंढती है। जो बंदा ही है जो गंदा हो, जैसा बंदे गंदे, सच्ची तौबा की जरूरत है प्यारे इस्लामी भाई। है ये तस्लीम सब से बुरा हूं, मैं सुधरना खुदा चाहता हूं, अफ़वे जुर्मों को सूरो खता की मेरे मौला रहमत की अफ़वो अता की मेरे मौला तू खैरात दे दे, मकर शैतान से तू बचा दीदे बदरो तुझा की, नज़्अ में दीदे बदरो तुझा की, मेरे मौला तू खैरा। एक मरतबा सईद उमर फारूक के आजम रदील्ला ताला कहीं से तशरीफ ला रहे थे, सामने से एक शख्स आ रहा था, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उससे दूर से देखा अमीर मोमिनीन तशरीफ ला रहे, और आप उसे पूछेंगे कि इसमें क्या है, तो शराब थी। घबराया ना, घबरा कर अपने रब के हुजूर दुआ करता बोला, तेरे बंदे उमर फारूक के आगे मुझे रुस्वा होने से बचा ले, मैं तौबा कर दूं, हाथ के बस शराब नहीं पीऊंगा। वही फारूक के आजम रदी जाता मुझे करीब बोतल का रखता था, उसमें क्या है, ये तो उसमें सिर का है। क्या कहता है, सिर का है। आपने फरमाया बता, सब तो अल्लाह पाक ने शराब को सिरका बना दिया। बंदा सच्ची तौबा करता है, अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है। हमको रोता देख कर पता है मैंने कौन सा वाक्य याद आ रहा है। एक शख्स को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, तेरे साथ क्या मामला हुआ? कहते तू तो जानता था कि मैं बयान करता था, आवाज कहता था। हाँ, जब मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हुआ तो मेरे रब ने फरमाया कि तू बयान करता था मगर था तो बेअमल। क्या था तू? तू था बेअमल, मगर एक दफा तूने बयान किया
और तेरा बयान सुनकर मेरे खौफ से मेरा एक ऐसा बंदा रोया जो कभी मेरे खौफ से ना रोया था। दो इज्तिमा में लोग जमा थे, उसमें एक ऐसा बंदा भी रोया जो कभी मेरे खौफ से ना रोया था, मुझे उसका रोना पसंद आ गया। उसके रोने की वजह से मैंने उसकी तेरी और जितने जमा थे सबकी बख्शिश कर दी। कभी कभी ऐसा चुप कर कोई बंदा रो रहा होता है कि मुझे कोई देख ना ले, बंदा देख रहा है ये बंदा मेरे खौफ से रो रहा है, मेरी बारगाह में तौबा करके रो रहा है, मुझसे माफी मांग कर रो रहा है, मेरे हुजूर शर्मिंदा होकर रो रहा है, मौला माफ कर दे गलती हो गई। अल्लाह पाक जानता है कि ये बंदा मेरे सामने कितनी सच्ची तौबा करता है। अल्लाह पाक उसकी सदके में सफर करो फरमा, हालांकि उससे कुछ लम्हे पहले सख्त गुनाहगार होता है, कुछ लम्हे पहले हो सकता है वो बंदा सख्त गुनाहगार हो और कुछ ही लम्हों के बाद हो सकता है वो बंदा रब का सबसे पसंदीदा बंदा हो। लम्हों में लम्हे लगते प्यारे सहाबी, बुरे से बद होने में, बद से अच्छा होने में लम्हा लगता है, लम्हा लगता है। अपनी अच्छी खूबसूरत नीयत और आजिजी से बद से बद अच्छे से अच्छा बन जाता है और अपने गुरूर तकब्बुर खुदपसंदी अनानियत खुद को कुछ समझने की वजह से लम्हा लगता है कि अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा हो चुका होगा, पता ही नहीं चलता। अल्लाह की खुफिया तदबीर हमारे बारे में कहने, अल्लाह का अल्लाह पाक का छुपा हुआ फैसला आपके और मेरे बारे में क्या हम नहीं जानते, तो अल्लाह हमारे भी हिसाब सिद्दीक अकबर सदका नसीब हो जाए, आका के उस इरशाद का सदका नसीब हो जाए, अबू बकर फिल जन्ना, आका फरमाते हैं अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नत में, मैंने सबके एहसान का बंदा दे दिया सिवा अबू बकर के, इसके एहसान का बंदा अल्लाह अता फरमा, कमाल एक एहसान का था। इसी तरह अल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक, आपको पता है मुझे पता है शराब पीने वाला शराबी पी रहे हैं, शराब की दुकानों में काम कर रहे हैं, शराबे भर रहे हैं, शराबे दे रहे हैं, शराबे बेच रहे हैं, मुसलमान का काम अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह तुम्हें इससे अच्छा रिश्ते छोड़ दो, ये सारा कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह और उसको ने मना किया मन मत करो यार, इसमें क्या रखा है, ये रोजी हम क्यों खाएं, छोड़ दे। अरे कहां जाएंगे, मदीने जाएंगे, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, अरे गुनाह करके भूखे नहीं मरे तो क्या नेकी करके भूखे मरेंगे, अल्लाह की ना फरमानिया करके भूखे नहीं मरे, और जब तौबा करके सच्चा रास्ता करे तो क्या भूखे मरेंगे, तो भूखे क्यों मरेंगे, इसका जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे कर हम लिया हुआ, कोई जानदार नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे कर हम नहीं लिया। मैं एक शख्स ने हजरत हुए से कनी रदी अल्लाह तआला ने अर्ज की, हुजूर मैं कहां रहूं, मैं कहां रहूं, तो आपने एक तरफ इशारा किया कि उस तरफ रहो, उधर ले जाओ, उस जगह पर चले जाओ, तो कहने लगे उधर वहां मेरा गुजर बसर कैसे होगा, तो फरमाते तू क्यों लोगों पर जिनको अपने रब के जिम्मे का भी भरोसा ना रहा, अल्लाह ने अल्लाह पास ने जब जिम्मा ले लिया रिस्क का उन्हें देगा अल्लाह रिस्क, तो क्या जरूरत है झूठ बोलकर शराबे बेचकर शराबे पिलाकर नाजायज और हराम किस्म के कारोबार करके बंदा पैसा कमावे, नहीं अल्लाह रिस्क देने वाला है, सच बोलोगे रिस्क मिलेगा ही मिलेगा, जो मिलना है मिलना है, ना मुकद्दर से ज्यादा ले सकते हो, ना मुकद्दर ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, अल्लाह ईमान कामिल अता फरमाए, और अल्लाह बस तौबा की तौफीक दे, अगर खुदा ना खासा कोई शराब पीने वाला जुआ खेलने वाला इस तरह खुदा ना खासा उल्टे सीधे कामों में पड़े हुए, तो अल्लाह अपने रब से माफी मांग, शबे जुमा भी है यार, सिद्दीक अकबर की रात है गर्म हो जाएगा, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कभी शराब नहीं की, जमाने जहिलियत में भी शराब नहीं, वही जमाना बयान आगे बढ़ा कि मैं अपनी इज्जत और अपनी मुरब्बत की हिफाजत करता हूं,
अल्लाह पाक सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हम सब को माफ फरमाए, अच्छी सोबत इख्तियार करें, खुद अच्छी सोबत बने भी, जहां रहते घर में रहें, दोस्तों में रहें, तुम नमाज पढ़ें, नेकी करें, परहेजगारी इख्तियार करें, नेक आमाल दावत इस्लामी का बुकलेट है, मुख्तसर दर्जे भी साइज का पॉकेट साइज है, वो ले लें, उसको भरते रहें, इंशाल्लाह नेकी का पूरा एक जदवल बना हुआ है, नेकी के वाकद एक तरीकेकार दिया हुआ है, इंशाल्लाह ताला मदनी काफिलों में सफर करें, अच्छी सोहबत में रहेंगे, कुछ बुरी जगहों से निकलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे घर बार पर अल्लाह लुत्फ़ करम फरमाए, और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैजान से अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमाए। यकीनन बयान तो और भी है, लेकिन मैं इसी पर इतफा करता हूँ, और ये आखिर में अगर क्या ही अच्छा हो कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो नारे हमने जो सुने अता फरमाए वो अजय राजदारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक है, जान निसारे मुस्तफा करे सिद्को वफा सिद्दीक है, साहिबे जूदो सखा सिद्दीक है, यारे हारे मुस्तफा सिद्दीक है, यारे मजारे मुस्तफा सिद्दीक है, महबूबे रब्बे गनी सिद्दीक है, यारे आखरी नबी पेशवाए मुत्तकी जन्नती बिल यकीन खलीफतुल मुस्लिमी हाँ अमीरुल मोमिनी सारे वलियों से बड़े पेशवा अस्हाब के डार से आजाद भी खुल्द में जो शाद भी हम दमो गमखार कौन हामी अत्तार कौन सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दर्शकों भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज योमे सिद्दीक अकबर और हफ्तावार सुकूत बरे इज्तिमा में हम सब शामिल हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें आज एक बेहतरीन मौका ये भी मिला है, दिया सो लकीद की है कंपनी ऑफ हेड ऑफ शूरा मरकजी मजलिस शूरा मौलाना हाजी नाना तालिब दस, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास ये इजाजत मौजूद है कि वो किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के बिहाफ पर हमें उनके सिलसिले में और फिर उनके जरिए गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला के सिलसिले में मुरीद करवा सकते हैं, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला के सिलसिले में जो कादरी बन जाता है उसके बेशुमार फजाइल है। खुद गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद